खुद की बीवी का देखो उसके तो ऊपर दुपट्टा नजर ही नहीं आता बाल के लिए मैं खुशी हुई है बता मैं आपको ये कहना चाहती हूं व्यूज के लिए बोल रहा हूं ये जो कुछ लोग है ना आंखें होते हुए भी अंधे अल्हम्दुलिल्लाह वो अंधे ही रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे अपने घर में खुश होंगे जी अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे हमारी दुआ होती है देश पर देश से जो मेरे प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक है आज का जी हमने प्यारा सा व्लॉग शुरू किया व्लॉग के साथ बने रहें जो न्यू बहन भाई चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर करें आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आज आपको मैं एक स्पेशल गिफ्ट दिखाने वाली हूँ जो अमेरिका से मेरी बहन ने भेजा है हमारे लिए प्यारा सा गिफ्ट तो वो आपको दिखाएंगे व्लॉग के साथ बने रहें और जी फातिमा के लिए गिफ्ट आए हैं अहमद सही के लिए गिफ्ट आए हैं अहमद के लिए माशाल्लाह बहुत प्यारे गिफ्ट हैं तो अल्लाह ताला मेरी बहन को सलामत रखे खुश रखे मेरी ढेर सारी दुआएं हैं अपनी बहन अनीला के लिए अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे बहुत प्यारी मेरी बहन बनी हुई है माशाल्लाह तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ और आज कुछ ना मेहमान भी घर में आए हुए हैं जी मेहमानों के लिए मैं खाना वगैरह भी बना रही हूँ क्या बना रही हूँ वो भी आपको दिखाते हैं जी चलकर तो जी आज हमारे घर मेहमान भी आए हैं मेरी फ्रेंड आई है मतलब मेरी क्लास में ही पढ़ती है तो उसकी मम्मा भी आएंगे हमारा घर देखने के लिए हाँ जी तो चलते हैं जी अंदर उनके लिए जी हम लोग स्पेशल सा खाना बना रहे हैं फातिमा की क्लास कर रहे हैं फातिमा की फ्रेंड है बहुत ज़्यादा दिल के करीब है फातिमा के जैसे मेरी बहन अनीला मेरे दिल के पैर डालता है मोहम्मद सही को देखें कैसे साथ साथ खेल रहे हैं मोहम्मद सही के चैनल को जी सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मोहम्मद सही के चैनल को ठीक है जी बाप बेटी हम दोनों मिलकर बना रहे हैं रोटियां फातिमा मुझे ना पेड़े बनाकर और रोटी बेल कर दे रही है कहती मम्मा मैं रोटी बढ़ा के दूंगी आप जो है रोटी बनाती जाओ उसके बाद जी हमने ये कढ़ाई वगैरह जो है ये रख ली है इसमें हम बना रहे हैं चिकन का सालन मजेदार सा करके हाँ वो भी फातिमा दीदी मैं खुद बनाऊंगी तो मिलकर बनाएंगे इंशाल्लाह क्या कहती है फातिमा की जो फ्रेंड्स आ रही है फातिमा ने तो खुद पकाना है ना लेकिन क्या है मैं ना उनका नाम ही लेना चाहती अल्लाह पाक हमारे साथ है अल्लाह पाक देख रहे अगर मैं गलत होती तो मेरा जमीर मुझे लालदान करता तो मैं गलत नहीं हूँ निमरा अली है सिस्ट्रोल जी है और कितना लड़कियां हैं जो बिना दुपट्टों के वीडियो बना रही है क्योंकि उनके दिल साफ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी दिल साफ है ये नहीं होता कि अगर हमने दुपट्टा नहीं सर पर लिया तो हम गलत हैं हमारे जमीर मर गए हैं या हम कोई गलत काम करें ऐसा कुछ भी नहीं है वो जो एक जाहिल सा डॉक्टर फिर रहा है उसकी बीवी ने फिटिंग वाले कपड़े पहने होते हैं उसके सर पर दुपट्टा नहीं होता उसके बाल खुले हुए होते उसके जिस्म पर भी दुपट्टा नहीं होता उस जाहिल आदमी डॉक्टर की बीवी के तो उसको कोई गलत नहीं कह रहा गलत हम लोगों को कह रहे हैं भाई किस हक से आप सब हमें गलत कह रहे हैं एक होता है ना कि अल्लाह ताला कहता है आंखों से देखकर बात करो कि हाँ ये इंसान गलत है तो फिर बात करो आप लोगों ने बिना देखे ही बात करना शुरू कर दिया ऐसे नहीं होता अब वो कहता है कि आपकी बेटी गैर महरम आदमी लाइन पर आपकी बेटी को देख रहे हैं गैर महरम आदमी उसकी बीवी को नहीं देख रहे जो अपनी बीवी को अपने हाथ से पकड़ कर क्लबों में लेके जा रहे शादियों में लेके जा रहे बाजारों में फिर रहे खुले आम सरेआम अपनी बीवी को लेके हाथ से पकड़ के फिर रहे उसके जिस्म में दुपट्टा नहीं है उसके बिल्कुल फिटिंग वाले कपड़े उसके जिस्म का एक एक हिस्सा आगे पीछे से नजर आ रहा है और उसके सर पे दुपट्टा नहीं है बाल खुले में क्या उसको गैर महरम आदमी नहीं देख रहे उसको देख रहे हैं ठीक है क्या उसकी बीवी किसी की बच्ची नहीं है किसी की बेटी नहीं है किसी की बहन नहीं है पहले इंसान अपने आप को देखे बाद में किसी और की बात करे ना अपनी बीवी को हिजाब में रखो उसको सॉरी यू हो शिट उसको दुपट्टा पहनाओ उसको पर्दा करवाओ उसके बाद जो है ना किसी की बेटी में उंगली उठाओ किसी की बेटी की बात करो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत वीडियो बना रही हूं आप लोग जाए शुरू से है कि अब तक मेरे व्लॉग देखे कोई आपको बेह नहीं आई कोई आपको उसमें गलत चीज नजर आए तो आप मुझे आकर बताएं वो वीडियो उठाकर मुझे दिखाएं कि ऐशा बजे आपकी वीडियो गलत है या आपकी फातिमा की वीडियो गलत है कुछ भी गलत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो कि अल्लाह को अल्लाह का नाम लेके आप गलत काम कर रही हो
प्यारे बहन भाइयों, आप देख रहे होंगे ये पढ़ा लिखा जाहिल आदमी जो है डॉक्टर, जब ये अपनी वीडियो बनाता है, चार पांच दिनों के हमारे बारे में वीडियो नहीं बना रहा, इसके व्यूज ही नहीं आ रहा। जब ये हमें पकड़ लेता है, किसी की बहन को पकड़ लेता है, तो उसके व्यूज आ जाते हैं, खुश हो जाता है। तो इसकी टीवी कैसे फेर रही होती है? हम लोगों को बाकी लोगों को बोलता है। प्यारे बहन भाइयों जी, यहाँ पर मैं शिमला मिर्च की कटिंग कर रही हूँ, ये देखें। और जो है मेहमानों को मैंने खाना दे दिया है, अम्मी मेहमानों के साथ खाना वगैरह खा रही है। मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। यहाँ पर जी हमारा चिकन बॉईल हो रहा है, आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर ना ये देखिए, ये चिकन हमारा बॉईल हो रहा है। ये बड़ा बड़ा करके हमने चिकन लिया है, इसको हम छोटे छोटे पीसों में टुकड़े कर लेंगे और अच्छी सी करके मैक्रोनी बनाएंगे। और हम साथ बना रही हैं सेवियाँ मीठे में, हमारी सेवियाँ बन रही। दूध वाली मैं नहीं बना रही, मैं सिर्फ घी में भून करना सेवियाँ तैयार कर रही हूँ। और ये हमारा सालन, ये मेहमानों को दे दिया है और ये थोड़ा सा बच गया है सालन। ये देखिए जी, मैंने और मम्मा ने मिलकर बनाई है मैक्रोनी, अच्छी सी करके मेहमानों के लिए। और सेवियां हमने मेहमानों को दे दी हैं। और ये जो है ना देखची में इतनी सी आकर बची हैं सेवियां, और बाकी जो है अब मैक्रोनी जो है वो तैयार हो रही है माशाल्लाह। फातिमा ने और मैंने मिलके बनाई है। फातिमा कह रही थी मम्मा इसके अंदर बंद गोभी ना डालें, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती बंद गोभी डाल दी है इसके अंदर। चलें जी, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर तक, ओके। जी मेहमान हमारे जा चुके हैं माशाल्लाह, उनको हमने खाना वगैरह खिलाया, चाय ये वो सब जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फुल कोशिश की कि मेहमान हमारे घर से खुश होकर जाएं। और अब शाम का टाइम हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, बाहर का भी आपको बहुत सारा दिखाती हूँ शाम का टाइम है। तो जी अभी मैं चाय भी पीऊँगी, चाय भी बड़ा अम्मी का और मेरा मूड हुआ पड़ा है कि हम चाय पिए। और दूसरा अब आपको गिफ्ट दिखाती हैं, जो मेरी बहन ने अमेरिका से हमारे लिए गिफ्ट भेजे, उनके कोई जानने वाले कराची में रहते हैं, मेरी बहन ने वहाँ से कराची से ये यानी कि कुछ सामान खरीदा और हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमारे घर एड्रेस ले लिया था उन्होंने और यहाँ सामान कुछ पहुँचाया है। तो चलते हैं जी अंदर, आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से ना। मेरी प्यारी बहन अनीला ने जी हमारे पास गिफ्ट भेजे हैं, वो ये हैं आपके सामने। देखें जी, ये मोहम्मद सईद का सूट है, ये देखें कितना खूबसूरत सूट है मोहम्मद सईद का। एक सेम ऐसा ही सूट है मोहम्मद सईद ने पहन लिया है। और अहमद सईद की ये देखें, ये शर्ट, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शर्ट अहमद खान की। और एक है ये वाली शर्ट, एक येलो है और एक शोफिंग पिंक है। और जी फातिमा के लिए ड्रेसेस हैं प्यारे प्यारे, फातिमा कैसे वाला वो ये एक ये सूट है, हम खोल के दिखाएंगे। एक ये वाला सूट है ब्लू में, एक पिंक में है, एक रेड और ब्लैक है, और येलो है, ब्लैक और वाइट में है, और ये कढ़ाई में है ब्लैक और ग्रीन कलर में, और इसका दुपट्टा येलो में है। बहुत खूबसूरत कपड़े हैं माशाल्लाह, आपको भी दिखाते हैं। और ये फातिमा के लिए जी कुछ कैचर्स वगैरह हैं, एक फातिमा ने ये देखे लगाया हुआ है, और फातिमा से सबर नहीं हुआ और वीडियो बने उसके बाद में लगाना शुरू करूँ। नहीं, इसने एयर रिंग्स भी पहले पहन ली और कैचर भी लगा लिया बेटा, वीडियो बन जिसके बाद। मोहम्मद से भी एक सूट पहन लिया, ये देखिए ये कैचर, पाँच कैचर हैं, पाँच एयर रिंग्स हैं। और क्या है, आपको कपड़े खोल के दिखाते हैं, आपको कपड़े खोल के दिखाते हैं। हाँ जी, मैंने कहा ना, वो लोग भी हैं जो गलत बातें करते हैं, और वो लोग भी हैं जो अच्छी सोच के मालिक होते हैं। उन्हें पता होता है अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है तो उसको अल्लाह ने फल ज़रूर ज़रूर देना है, ना कि किसी इंसान ने देना, अल्लाह ने फल देना होता है। और मेरा अल्लाह हमें फल दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़क का वादा मेरे रब ने किया है, वही रिज़क अता करता है। ये देखें, ये दुपट्टा है इसका, और ये कमीज है, ये शलवार है इसकी,
दुपट्टा बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है, कपड़े बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारा कपड़ा है। और आपको ये वाला सूट भी खोल के दिखाते हैं, उस डॉक्टर के लिए भी बहुत ज्यादा लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, और कुछ लोग हमारे हक में वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये है ना कि हमने अल्लाह पाक पर छोड़ दिया है, सब कुछ हमने अल्लाह पाक पर छोड़ दिया है, वही सही फैसले करने वाला है मेरा अल्लाह पाक। ये देखें जी, ये सूट है, इसकी शलवार है और इसमें दुपट्टा कहाँ रखा है, दुपट्टा। और आपको ये वाला सूट दिखाते हैं, पहले जी खाता पसंद करेगी अपने कपड़े, सारे पैकेट की तो सारे ले ले, अगर एक आध कोई बच जाता है तो फिर हम भी देख लेंगे। ये देखें जी, एक ये है, ये कमीज है और ये शलवार का कपड़ा है और ये दुपट्टा है। माशाल्लाह कपड़ा भी बहुत खूबसूरत है, डिजाइन कलर सब बहुत प्यारा है। और एक ये सूट है जी, ये भी आपको दिखाते हैं। अनीला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी जान मेरी प्यारी सी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार के लिए। ये देखिए ये कमीज है, इसका शकून में दुपट्टा है और ये शलवार है। और ये वाला भी दिखाते हैं, हाँ ये ब्लैक है, ये दुपट्टा है, ये कमीज है और ये शलवार। बाकी मेरे ख्याल में एक आध रह गया जो हमने नहीं दिखाया, ये टेढ़ा। आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं झूठ बोलती ना, अगर मैं कोई गलत काम करती ना, तो वहीं गांव में रह जाती, वहीं झूठ बोलती रहती सब लोगों से कि हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ मेरे हालात पहले बहुत ज्यादा खराब थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अगर दे रहा है तो मैं क्यों आप सबसे छुपाऊँ, क्यों झूठ बोलूँ। मुझे आप सब ने आकर ना कुछ देना है ना कुछ लेना है मेरे से, तो मैं अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। जब मैं कच्चे घर में रहती थी वहां पर भी मेरी प्यारी बहन ने मुझे गिफ्ट वगैरह भेजती थी, आप सबके साथ शेयर करती थी। अब आप लोगों ने इतना मेरे पीछे बदनामी लगाई है, इतना लगाई है, लेकिन कुछ भाई हैं जो वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अब भी उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजे, आप सबके सामने है। तो अल्लाह पाक मेरी अनीला बहन को बहुत ज्यादा दे, अल्लाह ने उसको इतना दिया है, इतना दिया है, बे इंतहा दिया, अल्लाह ताला उसको और भी नवाजे। और उसकी खास दुआएं मेरी बहन अनीला की मेरे साथ है, आज से नहीं शुरू से मेरे साथ है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे भी इतना दे दिया कि मैं अपने बच्चों को लेके अच्छी जगह बैठी हूँ आकर। अल्लाह ने अभी किराए का मकान दिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन मेरा अपना भी घर होगा, जाती आप सब देखेंगे, अल्लाह बस जिंदगी रखे तो इंशाल्लाह सब हो जाता है। तो मैं अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखती हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं कहीं भी गलत होती ना मेरा जमीर मुझे लानतान करता, जो नहीं कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रही हूँ। मुझे आप लोगों को असल में ना ये जो डॉक्टर है ना, ये ना डॉक्टरी करके ना अपनी बीवी बच्चे का पेट नहीं पाल सकता, जब भी और उनकी बेटियों पर या और उनकी बीवियों पर उंगली उठाता है तब इसको थोड़े पैसे मिल जाते हैं उन्हीं व्यूज से और उससे वो अपना घर चलाता है, असल बात तो ये है। हाँ बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो लोग बातें कर रहे हैं ना वो ये भी देखे, जो ड्रामों में लड़कियां काम कर रही होती है, अच्छा डॉक्टर ने ये कहा है ना कि जब फातिमा लाइव बैठी होती है क्या लोग उसको अच्छी नजर से देख रहे होते हैं, जब आपकी बीवी सरेआम फिर रही होती है बिना दुपट्टे फिटिंग वाले कपड़े, क्या उसको लोग मैली नजर से नहीं देख रहे होते, आप जरा गौर करना इस बात पर। जो लड़कियां ड्रामों में काम कर रही है आप ड्रामे नहीं देखते क्या, आप भी फिर देखना छोड़ दें और मर्द भी देखना छोड़ दें, ये जिंदगी का एक असूल है, हम पहली सदी में नहीं रह रहे, ये आगे आगे दुनिया चलती जा रही है, उसके साथ हमें जीना है हमें रहना है। अगर अल्लाह ताला किसी इंसान के हाथ में किसी बंदे का रिज़्क रख लेते हैं ना तो शायद ये दुनिया अब खाली हो चुकी होती, अल्लाह ने रिज़्क अपने हाथ में रखा है। और आप लोग जो है ना जिल्लत दे रहे हैं किसी को, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, पहले देखे सुने सोचे समझे उसके बाद बात करें। बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ, अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं जिनके लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं, और जो बुरे लोग हैं उनके लिए जारी बातें दिल से बददुआ निकलती है, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो आज के लिए इतना मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको ये गिफ्ट कैसे लगे, मुझे तो बहुत बहुत पसंद आए। पापा चाय नमाज उठाओ मुझे दो, मैं चाय नमाज तय करके रखूँ, और मुझे बहुत बहुत पसंद है जाय नमाज, मुझे बहुत खूबसूरत लगी माशाल्लाह। तो जी अब आप लोगों से इजाजत चाहते हैं जी, दुआओं में याद रखिए, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखा करें, बहुत ज्यादा खुश रहा करें, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे बहन भाई, अल्लाह हाफिज़।